ਸਰੀਰ ਕੇ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਲਈ ਵੀਰ ਜੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। तुसी पहला भी दरबार साहिब विच चमत्कार वर्गियां घटनावां सुनियां होणगियां, पर जिस घटना बारे असी अज आप जी दे नाल गल करन जा रहे हाँ, ये घटना दे गवाह वो आप हन जिन्हां नाल ये घटना घटी है ते उहनां दे नाल जो दरबार साहिब जी दे अंदर होया है उत्थे विराजमान संगतां ते उहनां दे परिवार मैंबर ने भी परतख एक घटना वापरदी देखी है, जां कह लईए कि अजिहा चमत्कार हुंदिआं उन्होंने अपनी अखी देखिया है जिस दे परतख सबूत भी आप जी दे सामने रखे जाणगे। ऐसे पहला भी सुनिया है दरबार साहिब जी विच नासा दे महान साइंटिस्ट भारद्वाज जी जो कि कैंसर दे मरीज सन, उन्हां दा कैंसर भी दरबार साहिब जी दे विच गुरबाणी सुनन दे नाल ठीक हो गया। और एक लड़का जिस दी घटना 2-3 साल पहला हुई सी जो चल नहीं सकता सी, उस लड़के नाल भी कुछ अजिहा चमत्कार जां गुरु कृपा हुई जिस तों बाद वह चलन विच समर्थ हो गया। ते अज जो घटना दसन जा रहे हाँ, यह घटना एक हफ्ता पहला ही हुई है। ये घटना किवें घटी की होया ये सब कुछ असीं भाई साहब जी तो भी सुणांगे और ये चमत्कार किवें होया आप जी दे सन्मुख सारी गल रखी जाएगी कि किवें गुरु साहिब जी की कृपा वापरी जां कृपा होई। इस तों पहलां कि वीडियो नूं अगे तोरीए गल करदे हां अज दे लक्की विनर दी, पिछली वीडियो में जो सवाल पूछा गया सी उसका जवाब भाई मनप्रीत सिंह जी ने जलंधर तों दिता है जिन्हां नूं साडे चैनल वालों इनाम भेट किया गया है। इस वीडियो के विचकार भी एक सवाल पूछा जाएगा जिसका सही जवाब देने वाले नूं इनाम भेट किया जाएगा, इसलिए सारी ही वीडियो नूं बड़े ही प्यार ते सत्कार नाल सरवण करो जी। आओ वीडियो नूं अगे तोरदे हाँ। भाई जगतार सिंह जी जो कि जिला गुरदासपुर जी के वसनीक हैं, उन्होंने दस्सिया कि उन्होंने वाहिगुरु ते और गुरु साहब जी ते बहुत ही यकीन अते श्रद्धा सी ते कुछ समा पहला वो बीमार हो गए ते चलन फिरन विच भी असमर्थ हो गए। फिर उन्होंने कई डॉक्टरों तो दवाइयां खादियां ते कई स्पैशलिस्ट डॉक्टरों नूं भी दिखाया पर किसी तो भी कोई फर्क ना पिया। उन्होंने दस्सिया कि एक महीना लगभग 25 दिन गुजर गए, उन्होंने व्हील चेयर ते ही रहना पैंदा सी ते चलन फिरन विच वो असमर्थ हो गए सन। उन्होंने दस्सिया कि घर के सारे ही परिवारक मैंबर बहुत ही परेशान सन और भाई जगतार सिंह जी पहले ही दिन तो यह बचन कर रहे सन कि उन्होंने श्री दरबार साहिब लैके जाओ, वह दरबार साहिब जी के दर्शन करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये भी दस्सिया सी कि उन्हों का दुख उत्ते ही मिटेगा जिमें किसी व्यक्ति अंदरों कोई आवाज़ पैंदी होवे, रूहानियत की आवाज़ पैंदी होवे, अजिहा उन्होंने हो रहा सी। पर घरदियां ने दस्सिया कि घर के काम काज के कारण दरबार साहिब नहीं जा पा रहे सन। भाई जगतार सिंह जी ने कहा कि उन्होंने दिल में बहुत ही निश्चा ते प्यार सत्कार सी कि मेरी प्रॉब्लम दरबार साहिब विच जाके ही सही होवेगी। अजिही प्रॉब्लम दे एक महीने बाद वो दरबार साहिब जी दे विच फैमिली दे नाल मत्था टेकन गए अते वो व्हील चेयर दे उत्ते बैठ के दरबार साहिब जी दे अंदर लियांदे गए, जिस दी वीडियो रिकॉर्डिंग भी दरबार साहिब विच लगी CCTV कैमरे विच होई है। ते फिर भाई साहिब जी नूं व्हील चेयर ते लिया के ते सवेरे कोई 2-3 बजे दे टाइम दरबार साहिब दी परिक्रमा वाली जगह ते बाल्टियां भर भर के व्हील चेयर दे उपर ही भाई साहिब जी दा इशनान कराया गया, जिस तों उपरंत उन्हां नूं अंदर मत्था टेकण दे लई लिजाया गया। भाई साहिब जी ने दस्सिया कि जदों आसा जी दी वार दा कीर्तन हो रहा सी, आसा जी दी वार दा भोग पैण तों बाद अरदास होई ते उन्हां ने अरदास विच उठण दी कोशिश कीती पर वह उठ ना सके।
फिर परिवार के मैंबरां ने उन्हां नू उत्थे ही बैठे रहन लई कहा। पर भाई साहब जी ने दसिया उन्हां नू एक रूहानियत भरी आवाज़ सुनी कि बेटा उठ। इस तों बाद भाई साहब जी ने दसिया कि वह उठन लई कोशिश करते रहे ते उठ के अरदास विच खड़े हो गए। उन्हां दसिया कि मैं हैरान हाँ ते भागा वाला भी हाँ कि मैनू वाहिगुरु जी की आवाज़ सुनने का मौका मिलिया ते परमात्मा की कृपा दृष्टि मेरे उपर हुई। उन्होंने दसिया अरदास तो बाद वो खुद चल के घर वापस आए। जिस तो उपरंत दरबार साहब जी के प्रधान सिंघां वालों उन्होंने सरोपा पा के सन्मानित भी किया गया। भाई साहब जी ने दसिया कि सारा पिंड उन्हां दी खबर लैण लई आउंदा है ते पुछदा है कि किवें अजिही कुदरत दी रूहानियत भरी घटना आप जी दे नाल घटी है। मेरी सिर्फ इन्नी ही याचना है, इन्ना ही कहना है कि वाहिगुरु धन धन गुरु रामदास जी दे उपर भरोसा होवे ते निश्चा होवे तां गुरु जी अपने प्यारियां नाल अजिहियां घटनावां बरता ही दिंदे हन। मैं सारिआं नूं ही यही अरदास करदा हाँ कि होरना पखंडी साधुआं दे पिछे ना लगो, उन्हां दा पला छड़ के एक सच्चे पातशाह धन धन गुरु रामदास जी दे लड़ लग जाओ और गुरु रामदास जी दे लड़ लग के अपने जीवन नूं सफला बनाओ। अजिही एक घटना पहला एक छोटी बच्ची नाल भी हो चुकी है जो कि सुनन विच और बोलन विच असमर्थ सी, पर दरबार साहिब विच आ के उसने बोलना शुरू कर दिता। तो देश के दे महान संगीतकार आसा भौंसले जी का भी कहना है कि जदों वह दरबार साहब जी अंदर पहली बार मत्था टेकन आए तो उस समय वह गोडिया के भार नहीं सी बैठ सकते। उन्हां दिलों अरदास कीती कि हे वाहिगुरु, मैं झुक के गोडिया भार बैठ के आप जी के चरणों से मत्था टेकां। तो अजिहा चमत्कार होया कि वह गोडिया के भार बैठ के महाराज के चरणों के मत्था टेक सके ते अज तक उन्हां दी गोडिआं दी प्रॉब्लम सही है। अजिही चमत्कार ते शक्ति भरी जगह है दरबार साहिब जिथे अनहोणियां गल्लां भी हो जांदियां हन। अजिहे पूरे गुरु दे लड़ लग के अपना जीवन सफला करना चाहीदा है। यह सिर्फ चमत्कार नहीं है, यह है परमात्मा दी सच्चाई जो सच्चे दिलों सिर नवाउंदे हन। वाहिगुरु उन्हां दे अंग संग हमेशा रहिंदा है। इसलिए सानू सब नू डंडी पखंडी साधां दा पल्ला छड के पूरे गुरु दे चरणां दे विच सिर निभाउणा चाहीदा है तां सब दा पार उतारा हो सके। अजिही ही अगली वीडियो लैके आप जी दे सन्मुख हाजिर होवांगे। अज दा सवाल यह है जी, धन धन श्री गुरु रामदास महाराज जी दा जन्म कदों अते किस जगह ते होया सी? सही जवाब देने वाले नूं इनाम भेट किया जाएगा। अज दा सवाल यह है जी, धन धन श्री गुरु रामदास महाराज जी दा जन्म कदों अते किस जगह ते होया सी? सही जवाब देने वाले नूं इनाम भेट किया जाएगा। फतेह दी सांझ पाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।